हेलो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर वन में देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि यह किस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है, किस पॉइंट पर मिनिमा होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस पर बेस्ड? आरएसटी मेथड पर। तो आपका जो आरएसटी मेथड है, इसमें हम नोटेशन को देखेंगे, स्टेशनरी पॉइंट को पढ़ेंगे और आपका डिस्क्रिमिनेशन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का, जो कि आपका लेक्चर फर्स्ट है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स इस चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई हैज मैक्स और मिन, यदि आपका जो फंक्शन है वो एक्स कामा वाई क्या हो, मैक्स हो या फिर मिन हो, एट किस पॉइंट पर हो, ए कामा बी पर। इफ द साइन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी इज इनवेरियंट फॉर ऑल सफिशियंटली स्मॉल वैल्यूज, यह क्या हो, इनवेरियंट हो सभी स्मॉल वैल्यूज के लिए, किसके किसके, एच एंड के। मोरीवर, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे इसमें क्या कंडीशन है मैक्स एंड मिन का। तो यदि आपके पास यहाँ पे जो आपका साइन प्रयोग किया गया है एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के और माइनस का एफ ऑफ ए कामा बी, या क्या हो, यदि ये क्या हो, जीरो से लेस हो, जीरो से क्या हो, लेस हो, इंप्लाइज दैट एफ हैज मैक्स एट पॉइंट मैक्स एट ए कामा बी। यदि आपका यहाँ पे जो साइन एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी है, यदि इसका वैल्यू आपका जीरो से लेस आता है, तो आप वहां पे कहोगे कि एफ जो है, अर्थात जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्स है, किस पॉइंट पर, ए कामा बी पर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यदि आपका ए प्लस एच कामा बी प्लस के और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ ए कामा बी क्या हो, जीरो से ग्रेटर हो, जीरो से ग्रेटर हो, अर्थात इसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो से यदि बड़ा हो, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, यहां पे आपका हो जाएगा यफ हैज मिन एट ए कामा बी, यफ हैज मिन एट ए कामा बी। तो ये था आपका डेफिनेशन, इसको एक बार और फिर से आप पढ़िए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई हैज मैक्स और मिन, आपका जो फंक्शन एक्स ऑन वाई है वह मैक्स और मिन किसी पॉइंट ए कामा बी पर है, यदि इफ यदि द साइन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी इज इनवेरियंट हो फॉर ऑल सफिशियंटली स्मॉल वैल्यूज के लिए ऑफ एच एंड के। मोरीवर, इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, यदि इसका वैल्यू जीरो से लेस आता है तो हम वहां पे कहेंगे कि यफ हैज मैक्स एट पॉइंट ए कामा बी। देन आपका सेकंड कंडीशन क्या है, यदि फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी जीरो से क्या हो, ग्रेटर हो, इंप्लाइज दैट एफ हैज मिन एट ए कामा बी। आइए हम जानते हैं कि आर एस टी मेथड क्या होता है। इसमें हम पी क्यू आर एस एंड टी को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कि कौन सा होता है, नोटेशन में क्या आते हैं। तो आपका जो इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो सभी आरएसटी मेथड पर सॉल्व होंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले नोटेशन, फिर स्टेशनरी पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेशन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नोटेशन। तो इसमें जो स्मॉल पी होता है वह इक्वल टू किसके होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एंड यहां पे जो आपका Q होता है ये आपका होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहां पे R आपका होता है डेल स्क्वायर F अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहां पे जो हम P और Q ले रहे हैं ये आपका स्टेशनरी पॉइंट को शो करता है, और यहां पे जो R S एंड T लिया जाएगा उसी पर कंडीशन को आप लागू करके आप जानेंगे कि मैक्स कब है। डाउटफुल कंडीशन कब आता है, नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्स नॉर ए पॉइंट ऑफ मिन कब होता है, वो क्या कहलाता है, सैडल पॉइंट आपका कहलाता है। और इस पर मिन कब आएगा, मैक्स कब आएगा, हम सभी बातों को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे आपका पी जो होता है वो डेल एफ अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है,
और आपका जो क्यू है वह डेल एफ अपॉन डेल वाई की इक्वल होता है, एंड जो आपका आर होता है वह डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की इक्वल होता है। देन आपका जो यस होता है, क्योंकि आप आर एस टी मेथड पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आर आप देन देखा, फिर यस देखेंगे, फिर इसके बाद टी को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका यस है वो आपका इक्वल टू होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू में डेल वाई, और यह भी इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एफ इंटू में डेल एक्स के बराबर होगा। एंड आपका जो टी है वह बराबर होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे फोर नोटेशन आपने देख लिया है, टोटल फाइव नोटेशन है यहाँ पे पी क्यू आर एस एंड टी। आइए जानते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। ये सभी बातें आपके न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे अर्थात क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका वहाँ पे इसका हम उपयोग करेंगे। आइए जानते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशंस, आपको जो इक्वेशंस दिए जाएंगे इसको आप सॉल्व करेंगे एंड वहां पे आप पी एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वी गेट स्टेशनरी पॉइंट्स। तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहां पे आइए उस बातों को लिखते हैं हम यहां पे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सॉल्विंग द इक्वेशंस, सॉल्विंग द इक्वेशंस, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वहां पे हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू जीरो एंड q इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे देन वी गेट स्टेशनरी पॉइंट। तब हमें वहां पे क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये था आपका स्टेशनरी पॉइंट्स। अब जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भेदभाव। लेट ए कामा बी बी या स्टेशनरी पॉइंट, यदि आपका यहाँ पे क्या हो, ए कामा बी आपका क्या हो, स्टेशनरी पॉइंट हो, यहाँ पे ए और पॉइंट के बीच में स्टेशनरी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पे थोड़ा सा कम था नीचे लिख दिया है कि लेट ए कामा बी बी या स्टेशनरी पॉइंट बी फाइंड वैल्यूज ऑफ आर एस टी एट ए कामा बी। नाउ अब देखेंगे कि मैक्स कब होता है, मिन कब होता है, डाउटफुल कब होगा और सैडल पॉइंट कब होगा। आपका यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब आर टी माइनस यस स्क्वायर, देखिए अभी आपने नोटेशन में देखा है आर कैसे फाइंड किया जाएगा, यस कैसे फाइंड किया जाएगा एंड टी कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इन सभी का वैल्यू आप निकालेंगे फिर आर टी माइनस यस स्क्वायर में रखेंगे, यदि उसका वैल्यू जीरो से ग्रेटर आता है और वहां पे आर क्या हो, जीरो से लेस हो, तो ए कामा बी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्स कहलाएगा। तो आपका वहां पे जो ए कामा बी क्या होगा, पॉइंट है, वो आपका क्या कहलाएगा, मैक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब आर टी माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से ग्रेटर आए और वहां पे जो आर हो, स्मॉल आर हो, वह जीरो से लेस हो। आइए जानते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, जब आर टी माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से ग्रेटर हो और आर भी जीरो से क्या हो, ग्रेटर हो, तो आपका जो ए कामा बी पॉइंट है वह क्या कहलाएगा, मिन कहलाएगा। ठीक है, आइए अब जानते हैं थर्ड पॉइंट। यहां पे आर टी माइनस यस स्क्वायर यदि इसका वैल्यू जीरो के बराबर आता है तो हम कहेंगे द केस इज डाउटफुल। क्या कहेंगे, द केस इज डाउटफुल। यहां पे देखिए फोर पॉइंट क्या है, जब आपका आर टी माइनस यस स्क्वायर जीरो से लेस आता है तो यहां पे जो पॉइंट ए कामा बी है इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्स, इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्स, ना तो यह क्या होगा, मैक्स होगा, नॉर अ पॉइंट ऑफ मिन, ना तो क्या होगा, मिन होगा। सच ए पॉइंट इज कॉल्ड, तब उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सैडल पॉइंट कहेंगे। तो यह अब आपका था डिस्क्रिमिनेशन, इसमें हमने मैक्स को देखा, मिन को देखा, डाउटफुल कंडीशन क्या है, सैडल पॉइंट क्या है, इन सभी बातों को हम ध्यान से पढ़ चुके हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कराए जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।